हे हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, या आप कह सकते हैं नए सिलेबस में जो इसका नाम दिया गया वह है नियोजन और विकास, इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और ये दोस्तों कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पूरे तहकीकात करने वाले। तहकीकात मतलब कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग तैयार की गई, यानी जो आपका नया सिलेबस 2022 और 2023 के लिए डिजाइन किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों हमने इसमें CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें डाली हैं जो आपको CUET एग्ज़ाम के लिए भी मददगार साबित होंगी। सो एक ही वीडियो में दोस्तों आप दो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के अपने इस नए चैप्टर की, जिसका नाम है नियोजन और विकास। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता के समय हमारे सामने तीन इंपॉर्टेंट चुनौतियां थी, तीन महत्वपूर्ण चुनौतियां। मैं पहले चैप्टर की बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारे चैप्टर दोस्तों जो है ना एक दूसरे से लिंक है, यानी अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तो तीनों एक दूसरे से लिंक है। और हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था दोस्तों, तो हमने देखा कि भारत के सामने स्वतंत्रता के समक्ष जो स्वतंत्रता के दौरान तीन महत्वपूर्ण चुनौतियां मुंह बाय खड़ी हुई थी, इसमें से एक चुनौती थी क्या दोस्तों, एक चुनौती एकता के सूत्र में बांधने की, लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की। हमने देखा कि भारत को जो है आज़ादी के साथ साथ जो है विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा था, राइट। और इस विभाजन में लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। तो ऐसे में एक यूनिफाइड इंडिया की स्थापना करनी थी, एक यूनिटी इंडिया की स्थापना करनी थी, और इस समस्या को हमने, इस चुनौती को हमने बाखूबी निभाया और हमने एक कह सकते हैं कि एक यूनिफाइड इंडिया को स्थापित किया। तो पहली चुनौती हमने, ये जो पहली बाधा थी, हम आसानी से उसको पार कर चुके थे। उसके बाद हमारे साथ दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी डेमोक्रेटिक कंट्री की स्थापना करने की, लोकतंत्र की स्थापना करने की। हमारे पास समस्या बहुत ज़्यादा थी, दुनिया के तमाम देश, तमाम संस्थान जो है हम पर कह सकते हंस रहे थे कि भारत लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता, भारत में जो है डिक्टेटरशिप की स्थापना हो जाएगी, यहाँ पर निरंकुशवाद की स्थापना हो जाएगी, राजशाही की स्थापना हो जाएगी। बट हमने लोकतंत्र को स्थापित करके और उसे बाखूबी चला कर दुनिया को दिखा दिया कि भारत कुछ भी कर सकता है, जो और कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। और हम जिस भारत में रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और आप सभी को पता है दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र जो है हमारा लोकतंत्र। यानी दो चुनौतियों को हमने बाखूबी निभा लिया। तीसरी चुनौती जो हमारी उस समय थी दोस्तों, वो थी विकास की, और उसी विकास के बारे में इस चैप्टर में हमें बात करना कि जो विकास था, जो डेवलपमेंट है, जिसकी बात हम पिछले 75 वर्षों से कर रहे हैं, ना तो पहले दिखाई दिया ना आज दिखाई दे रहा है। मैं विकास तुम्हारी बात नहीं कर रहा, विकास यानी डेवलपमेंट की बात कर, राइट। तो आज भी तमाम चीज़ देखेंगे आप, डेवलपमेंट भी होती है, विकास पर ही हमारे यहाँ पर वोट डाले जाते हैं, विकास पे सारी चीज़ें विकास को लेकर ही बोली जाती है, बट विकास जो है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये समस्या हमारे सामने थी कि हमें भारत का विकास कैसे करना है, और विकास के लिए हमें किस नियोजन के आधार, यानी हम भारत की बात करें तो हमारा भारत जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, यानी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है, ना केवल जनसंख्या की बात करें, धर्म की बात करें, भाषा की बात करें, संस्कृति की बात करें, इवन संसाधनों की विविधता है। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर सभी संसाधन हर राज्य में उपलब्ध है, नहीं, संसाधन भी अनेक राज्यों में हैं, कहीं ज़्यादा संसाधन है, कहीं कम संसाधन है। तो ऐसे में हमें नियोजन की आवश्यकता थी, और इसी नियोजन के में हमें इस चैप्टर पढ़ना कि उस नियोजन को हमने कैसे अपनाया जिसके माध्यम से अपने विकास की गाथा को आगे लिखने की शुरुआत की। तो हम इस चैप्टर में जो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे बॉम्बे प्लान। पहला क्या है बॉम्बे प्लान, यानी जब हम अपने नियोजन की बात कर रहे थे तो एक कह सकते हैं कि डिबेट थी कि भारत को कैसा नियोजन चाहिए, है ना, किस विकास के आधार पर हमें अपना विकास करना है, वो कौन सा तरीका होना चाहिए विकास, वो कौन सा पैमाना होना चाहिए जिस पैमाने को आधार मानकर हम अपना विकास करें। तो हमारे सामने बहुत सारे विकल्प थे, बट हमने
तमाम विकल्पों को छोड़कर अपना खुद विकल्प तैयार किया और लीक से हटकर अपने विकास की गाथा को आगे बढ़ाते हैं। और उसी विकास की गाथा में जो पहला विकास का हमारे पास मॉडल था वो था बॉम्बे प्लान, जिसकी स्थापना 1944 में बॉम्बे के कुछ कह सकते हैं बिजनेसमैन द्वारा की गई थी। हम इसे आने वाले जो वीडियोस में करेंगे, बट अभी आपको बताते कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें घटित होने वाली हैं, यानी हम बॉम्बे प्लान पढ़ेंगे 1944 में। उसके बाद चूँकि दोस्तों हमें अपने देश की विकास करनी है और विकास में नियोजन बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप कोई काम बिना नियोजित तरीके से करेंगे तो काम सही से नहीं हो पाता है, काम खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। तो हमें अपने देश को एक नियोजन के माध्यम से विकास करना, जिसमें सभी के विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, और किसी एक तबके का विकास नहीं हो, सभी का विकास, सर्वांगीण विकास की बात करनी थी। तो सर्वांगीण विकास बिना नियोजन के नहीं हो सकता था, और इसी को लेकर हमने दोस्तों नियोजन इन प्लान इकोनॉमी के तौर पर हमने एक चीज़ एक संस्थान की स्थापना करी, जिसका नाम था योजना आयोग, 15 मार्च 1950। और उस योजना आयोग के द्वारा, क्योंकि योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था थी, और नियोजन का मतलब होता है कम संसाधनों में सही उस संसाधन का प्रयोग कर संपूर्णता के साथ विकास करना। ऐसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि हमारे पास एक रोटी का टुकड़ा और हमारे पास खाने वाले चार लोग हैं, तो हम अकेला व्यक्ति उस रोटी खाएगा तो बाकी तीन व्यक्ति भूखे रहेंगे। तो ऐसी देश की हालत थी, संसाधन थे बट इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे कि हम सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो हमें नियोजन करना था। तो एक रोटी में हमने सभी को, एक रोटी में चार भाग करके सभी को जो है रोटी दी, ताकि सभी उस समय की आवश्यकताएं पूरी हो सके, किसी एक की आवश्यकता अधूरी ना रह जाए, किसी दो की आवश्यकता अधूरी ना रह जाए, एक ही पूरी करने के चक्कर में। तो नियोजन बहुत जरूरी था, इसलिए हमने योजना आयोग की स्थापना की 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग जो है दोस्तों गैर संवैधानिक संस्था है, एक सलाहकारी निकाय है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। योजना आयोग को हालांकि 2015 में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, इसकी भी हम चर्चा करें कि नीति आयोग क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, योजना आयोग क्या है, योजना आयोग के क्या उद्देश्य हैं, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे दोस्तों विकास के मॉडल। हमारे पास विकास के दुनिया में दो मॉडल उसमें प्रचलित थे, एक विकास का उदारवादी जिसे हम पूंजीवादी मॉडल कहते हैं, एक विकास का समाजवादी मॉडल था। बट हमने इस विकास के दोनों मॉडल को ना अपनाकर एक नया मॉडल ही प्रस्तुत किया, जिसे हम मिश्रित जो है समाजवाद कह सकते हैं, उसकी स्थापना की हम भी उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हरित क्रांति की स्थापना कब हुई, हरित क्रांति क्या है, भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न की पूर्ति बढ़ाने, क्योंकि हमारे सामने समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, खाद्यान्न की समस्या लोगों के सामने चुनौती थी, तो वो सभी चुनौतियों को निपटाने के लिए हमने क्या किया, हरित क्रांति की स्थापना करी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है। वामपंथ की अगर बात करें दोस्तों, तो वामपंथ कहता है कि भाई जो योजना बनाया जाए वो गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, लोगों को आधार को तय करके बनाया जाए, इसमें सरकार जो है नियम बनाए। दक्षिणपंथ की अगर हम बात, दक्षिणपंथ में दोस्तों ये बात करते कि संसाधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है, लोगों के माध्यम से, यानी कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रकार से स्वतंत्र मॉडल अपनाने के बाद इसमें जो चाहे वो विकास कर सके, इस तरह से हम इसकी अलग से बात करेंगे वामपंथ दक्षिणपंथ की। उसके बाद हम बात करें दोस्तों योजना आयोग द्वारा जो पंचवर्षीय योजना लाई गई, तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किस विकास की बात करी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से विकास की बात करी, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हमें पढ़ना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना अगर बात करें 1951 से 1956 तक, इसमें कृषि पर फोकस किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, इस पर किस पर फोकस किया गया था, इस पर फोकस किया गया दोस्तों उद्योग पर, ठीक है। इसके हम सब चीज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे केरल मॉडल क्या है, विकास का केरल मॉडल क्या है, नियोजन के माध्यम से विकास करने भी हम चर्चा करेंगे केरल मॉडल क्या है इस चैप्टर में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो प्रमुख कृषि क्रांति हुई, चाहे वो दूध क्रांति हुई है, चाहे आप कह सकते हैं पीली क्रांति हुई है, श्वेत क्रांति हुई है, सभी क्रांतियों की हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या, 6 अप्रैल 1952 में इसकी जो है स्थापना की गई। तो हम राष्ट्र विकास परिषद के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, जहाँ से प्रश्न आएगा। इसके बाद जो है दोस्तों निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, कृषि बनाम उद्योग, ये भी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वो सारे टॉपिक है जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं दोस्तों। तो बाकायदा हम हर टॉपिक को कवर करेंगे हर पार्ट में, जिसे आपको आसानी हो इसको समझने में, और आप एक बार ये सारे पार्ट्स देख लेंगे दोस्तों, तो आपको कभी भी
दोबारा से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम नोट्स के साथ आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे डे बाय डे तरीके से। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। हम इसमें तमाम अर्थशास्त्रों की बात करें, चाहे वो पीसी महालोबिस हो, ठीक है, चाहे वर्गीस कुरियन हो, चाहे जेसी कुमारप्पा हो, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम, चौधरी चरण सिंह हो, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनके क्या क्या विचार थे, इन्होंने किस तरह से भारत के नियोजन में अपना योगदान दिया, भारत के विकास में अपना योगदान दिया। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।